ये मेरा गरम गराज है, इतना गरम है कि पूरा चेहरे पर लगता है गरम गरम। और ये मेरे पति देव आदमी है, ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, इनको कुछ समझ में नहीं आता, उतना ही देखते हैं जितना देखना चाहते हैं। अरे तो दिल में आप बाकी रहती और कोई चीज ये नहीं देखती। अभी आप थी नहीं तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया मैं। हमने क्या, ये मेरा गराज है, इस तरह आप मेरे बिना फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। ये लो, क्या करूंगा मैं, ये लो मेरा गेट खुल रहा है, ये देखो ऑटोमेटिक गेट खुल जा, खुल जा। इतना गर्म है मेरा गराज की पूरी कार गर्म रहती। खुल जा सिम सिम। और ये मेरी कंट्री है जिसमें इतनी स्नो पड़ी हुई है, ढेरों ढेरों स्नो पड़ी है, और तब भी कभी बिजली नहीं जाती, कभी पानी बंद नहीं होता। उसी का तो आदमी, कभी बिजली नहीं जाती, कभी पानी बंद नहीं होता, हमेशा गर्म पानी, घर गर्म, सब ऐसी सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। दुनिया में ऐसी कहीं नहीं, कहीं नहीं। अमेरिका में भी प्रॉब्लम हो जाती है स्नो पड़ने पर, सब बंद हो गया ना। लेकिन यहाँ देखो सब परफेक्ट चल रहा है। दाचिया छतों पे कितनी बढ़िया लग रही है स्नो। देखो अमेरिकन प्लाजा डिलीवरी में पिज्जा डिलीवरी में तो कैसे तार तार कैसे, हाँ बिल्कुल सब तार तार बने हुए हैं। देखने में बढ़िया तो लगता ही है, घर गरम है, आराम से मस्त रहिए। अमेरिका में तो घर गरम करने का अच्छा पैसा लगता है, स्वीडन वगैरह में तो पूरे यूरोप में उसका भी नहीं लगता, सब घर में इंक्लूडेड। जरा सी स्नो में सब अमेरिका में कारें स्लिप कर जाती हैं, तब फिसल फिसल के लोग टायर नहीं बदलते, एक्सीडेंट हो जाते हैं सब। स्वेरिए सारे जहाँ से अच्छा ये स्वेरिए हमारा, यस जो शांति मिलती है क्या। और लोगों को क्या कहा जाए, लोग तो सब जगह सभी जगह ही ऐसे हो गए हैं आधे। आपको मैं रुस्ता ले चलूं जैसे मैंने कहा था। कौन से रुस्ता में आप उनके ले चलूं? सन चमकते हैं तो कितना तेज। इंडिया में तो दिन में भी धुंध सब दिखाई देता रहता, कभी सूरज भगवान के दर्शन नहीं होते। और यहाँ देखो इतने में इतना कोई धुंध नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम साफ सन की रोशनी कितनी तेज। वहाँ तो इतने दिन रहे, सन एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। और कहते हैं फॉग है, फॉग नहीं, वो सब पोल्यूशन है, सारे बैक्टीरिया फैले हुए हैं एयर में, जब भी जाओ नाक से वो पेट के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं सारा। इतनी गंदगी, बाप रे, नैनीताल जाने वाले रास्ते में कितनी गंदगी, और वहीं सब नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं, रामपुर और कौनपुर थे वहाँ सब, ये भगवान, उसी में नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं, उसी से बिन रहे हैं, तो छी छी छी। और किसी सरकार को, भारतवर्ष की सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि हमारा देश कितना गंदा हो गया है। आप तो कह तो रहे हैं कि ये जो झाड़ू लगा रहे हैं मंत्री लोग, उसे फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं सब, और कुछ नहीं हो रहा है। उनको ये नहीं दिखाई देता, उन्हें शासन करना बहुत आता है। कांग्रेस ने कभी ये देखा कि हमारे देश में कितनी गंदगी फैल रही है, हम इसे सबसे पहले साफ कराने का काम करें जिससे लोगों की बीमारियां ना बढ़े? ना कांग्रेस ने कभी देखा, ना ये देख रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं सफाई का, ये सिर्फ का पता नहीं। इतना टैक्स लेते हैं, इतनी महंगाई बढ़ाई हुई है, और इतना सब कुछ है कंट्री में, क्यों नहीं सफाई की तरफ ध्यान देते? तो यही इसीलिए कांग्रेस बर्बाद हो गई,
और मिट गई पूरी तरह, क्योंकि जनता तो देख रही है ना कि कितनी गंदगी फैली हुई है और उसके लिए क्या करें। सफाई कराने के लिए सरकारें जिम्मेदार होती हैं, यहाँ भी सब काम सरकार करती है, यहाँ जनता का कुछ नहीं, टैक्स लेते हैं तो उसके लिए काम करते हैं जनता के लिए। हाँ तो बना के रखा है ना सिस्टम, एक बना के रखा है ना। और ऐसी सरकारें भारतवर्ष की अंधी अंधी सरकारें जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि नन्हे नन्हे बच्चे कितना सफर कर रहे हैं, किसी सरकार में कुछ नहीं। और यही कारण है कि कांग्रेस बर्बाद हो गई, और मैं नहीं समझती कभी 20 साल तक उठने वाले हैं, 20-25 साल तक कांग्रेस नहीं उठने वाली है। जैसे कोई ध्यान ही नहीं है, जैसे नन्हे नन्हे बच्चे ह्यूमन नहीं है, वो जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। सरकारें इतना टैक्स लेती हैं, इतनी महंगाई बढ़ाती चली जा रही हैं, शर्म नहीं आती है ऐसी गवर्नमेंट को, कुछ भी नहीं समझते हैं। तो वो कहेंगे ये राज्य सरकार है, वो केंद्र सरकार है। अब पढ़ने लिखने का सिस्टम इतना गंदा हो गया है पूछो मत, बनारस इतना गंदा कि सांस नहीं ली जा सकती। और कैसी कैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गई हैं जिनके हॉस्टल बताते हैं, उन हॉस्टल के कमरों में सांस नहीं लिया जा सकता, एक सिर्फ बेड पड़ गया, एक जरा सी छोटी सी अलमारी रख दी, छोटी टेबल लगा दी, बस हॉस्टल बन गया, उसका लाखों रुपया ले रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज को तो बंद कर देना चाहिए, खुशी करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। चार लड़कों में एक टॉयलेट इतना गंदा, इतना गंदा टॉयलेट, माय गुडनेस। और उसमें लड़के पढ़ के एजुकेशन ले रहे, सरस्वती जी कहाँ रहेंगे जब इतनी गंदगी होगी, इतनी गंदगी में कहाँ कौन रहेगा। शहर का, और थैंक्स देते हैं भगवान को कि हमको वहाँ से नर्क से निकाल के कहीं भेज दिया। पर लेकिन तरस आता है उन नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर, और इन सरकारों, बेशर्म सरकारें हैं ये सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं और किसी के लिए काम नहीं करती, इसलिए सर कांग्रेस बर्बाद हो गई और इसीलिए ये भी बर्बाद होंगे। अगर नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, बच्चों की हाय बहुत बुरी लगती है, लोगों को समझना चाहिए कि हमारे देश के बच्चे सबसे पहले आगे पढ़े लिखे आगे आए। एक हॉस्पिटल बनवा दिया जब तब पॉपुलेशन कम थी, उसके बाद किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम से कम हॉस्पिटल तो एक दूसरा और बनवाए, वो भी नहीं सोचा। एक सरकार एक स्कूल एक यूनिवर्सिटी बनवा दिया, उसके बाद फिर कभी नहीं सोचा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए सरकार का कर्तव्य है कि छोटे छोटे स्कूल बनवाएं, बढ़िया बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधाएं दें। कुछ नहीं किया सरकारों ने, और सिर्फ वोट चाहती हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा है, सरकारें ऐसा कर रही हैं, एक दूसरे को ब्लेम दे रही हैं। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो हम क्यों बर्बाद हुए। अब भारतवर्ष की जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही। तो प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया ना, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये सब कैसे कैसे लोग भर गए हैं। तो सरकारों का कर्तव्य है कि जब हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके अनुसार हम बनाएं हॉस्पिटल, बनाएं छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बनवाएं। गए गए बाबरी मस्जिद को गिरा डाले, देश का इतिहास, खूबसूरत इतिहास थी बाबरी मस्जिद, बर्बाद कर दिया, मिटा डाला उसको, और अपने आप को 30 मार खां बनते हैं सबके सब कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत हिंदुत्व ला रहे हैं। ये नहीं सोचते ये बेशरम लोग कहने वाले कि वो हिंदुत्व की क्या बात करते हैं, बाबरी मस्जिद में तो सब हिंदू ही मरे हैं ना, हजारों हिंदू मर गए बाबरी मस्जिद के अंदर दब के। हिंदू मुस्लिम का जो इंसान है ना, सब जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं उनको ये तो सोचना चाहिए कि बाबरी मस्जिद में जो मरे हैं वो कौन मरे हैं। और इतना खूबसूरत इतिहास, हड़प्पा की खुदाई में ये टुकड़ा मिला, वहाँ ये मूर्ति मिली, वहाँ ये खुदाई में ये मिला, और जो जीता जागता इतिहास खड़ा था उसको मिटा डाला, ऐसे गद्दारों को तो फांसी दे देनी चाहिए। दूसरे किसी कंट्री में होते तो सही में फांसी मिल जाती इनको, सरेआम फांसी दे देते। ये क्या बात करते हैं, बड़ी सरकारें बनी हैं ये, किसी सरकार में ये दम नहीं है कि कह सके कुछ कुछ कर सके, और चले हैं सब वोट लेने के लिए, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, स्कूल की टीचरों को इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए। शर्म नहीं आती झूठ बोल बोल के, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अभी वो 200 साल तक संभलने वाला नहीं है। सफर कौन करेगा, जो पैदा हो रहे हैं वे करेंगे, जो अभी कुछ जानते ही नहीं इनोसेंट बच्चे वो सफर करेंगे।
और ये सरकारें तो क्या खाएंगी पिएंगी, मस्त होके मर मर के चली जाएंगी, इनका क्या है। खैर हमारी मातृभूमि है इसलिए तकलीफ हमको होती है, वरना हमको क्या करना, बाढ़ में जाओ। लेकिन नन्हे नन्हे बच्चों को जब देखती हूँ कि इस तरह से इनकी दशा हो रही है तब बहुत तकलीफ होती है। वहाँ पार्टी वाले जब खा खा के मस्त हो रहे हैं, मरने का भी डर नहीं है उनको, भगवान से भी नहीं डरते और भगवान की दुहाई देते हैं। अरे भगवान इसी धरती पर हैं, जो भी कोई गलत करता है सही करता है सब देख रहे हैं भगवान, इसी धरती पर भगवान है इस नर्क में। अरे विश्वनाथ मंदिर को इतना गंदा कर डाला है इन लोगों ने कि नाक बंद करके मंदिर के अंदर जाओ, इतनी दुर्गंध आती है। भगवान घेर रखा है, और भगवान को घेर रखा है लकड़ी से, भगवान के ठेकेदार बने हैं ये सब। नर्क का भी इनको डर नहीं है कि हम कौन से नर्क में जाएंगे, और सबका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे अपना धर्म तो कभी तुमने जाना नहीं, धर्म परिवर्तन तुम क्या करोगे? जब मौत आएगी तब देखोगे, जब भगवान के घर जाओगे तब देखोगे कि हमने क्या किया, कितना अपराध किया हमने। उनको उसका भी डर नहीं है। जब जाओगे भगवान के घर तब मरोगे तब देखोगे। इंसान को इंसान नहीं समझे, धर्म और रिलीजन में बांधे वो भगवान को क्या माने, खुद अधर्मी है।